शायद आपको आवाज आ रही है ना, जो है हम लास्ट क्लास में कुछ टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे, जिसमें से एवरेजेस हो गए हमारे पास, बाकी नंबर सिस्टम के भी, और हमने बाकी कुछ टॉपिक्स कवर करे थे। तो ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन हमारे पास आया था जिसमें जो है वो कोऑर्डिनेटर्स ने सेंड करा था, जिसमें वो स्ट्रगल कर रहे थे सॉल्व करने में। तो ये भी एक एवरेज का ही क्वेश्चन है, तो इसको जरा पहले आप लोग ट्राई करो, फिर मैं जो हूँ इसको कैरी ऑन करता हूँ आगे। प्रॉब्लम को जरा समझना, प्रॉब्लम वो क्या क्या रहा है। एग्जामिनर आपसे कह रहे हैं कि भाई एक क्लास है, उसके अंदर उसने आपको ये नहीं बताया कि कितने बच्चे हैं, लेकिन उसने एग्जामिनर ने गलती कर दी, किसी बच्चे के मार्क्स उसने एक्सेल शीट में 63 की बजाय 83 एंटर कर दी, जिसकी वजह से क्या हुआ, पूरी क्लास के जो एवरेज मार्क्स है ना वो 0.5 नंबर से बढ़ गए। तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि यार नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में। प्लीज ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट करिएगा आप लोग अपने एग्जाम में, थोड़ा सा माइंड बॉगलिंग होंगे, थोड़ा सा ट्रिकी होंगे, लेकिन इजी। किसी को अगर किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर है एवरेज के बारे में, एवरेज क्या होता है, किसी को और अलजेब्रा किसकी क्लियर है, तो वो इजीली इन क्वेश्चन को जो है वो टैकल कर सके। क्या हो गया भाई, आंसर क्यों नहीं आ रहे? हाँ चले गए सर। तो शकील बोले सर सी है, सवेरा भी सी, संध्या बोली है ए। नो आइडिया। चलो अच्छा, सिर्फ तीन ही लोग वॉलंटियर कर रहे हैं। अच्छा मायदा भी 40 कह रही है। मायदा ज्यादातर लोग मेजोरिटी, मारवी भी जो है वो सी। यार ये बड़ी अच्छी बात है कि तुम लोग का कॉन्सेप्ट इसका मतलब है क्लियर हो रहा है पिछली क्लासेस का, जब भी तुम लोग के आंसर दे पा रहे हो कि इट्स वन ऑफ द मोस्ट ट्रिकीएस्ट क्वेश्चन। तो देख लो, ट्रिकी तो है लेकिन इजी है यार बहुत। क्वेश्चन 83 इंस्टेड ऑफ 63 होगा। यार सबसे पहले तुम लोग को एवरेज का फॉर्मूला ध्यान में रखना है। मैंने बोला था एवरेज क्या होता है, टोटल अपॉन एन, यही होता है एवरेज का फॉर्मूला, जहां पर एन होता है आपका नंबर। भाई इक्वेशन बनानी है क्लियर, इक्वेशन जिसने बना ली सही इस क्वेश्चन में वो ले जाएगा भाई इसका नंबर, जिसने इक्वेशन नहीं बनाई उसका रह जाएगा। सही है, अब जरा सुनो, देखो पहले क्या था एवरेज, क्लास का एवरेज मतलब उसने कितने नंबर एक्स्ट्रा ऐड दे दिए, देने कितने थे 83, उसने 63 देने थे और दे कितने दिए उसने एग्जामिनर ने 63। मतलब क्या है, टोटल में उसने कितने एक्स्ट्रा कर दिए, क्लास के टोटल में उसने 20 नंबर बढ़ा दिए। इसका मतलब टोटल मुझे नहीं पता टोटल क्या है, टोटल अनोन है, उसने एग्जामिनर ने इसके अंदर 20 नंबर क्या कर दिए, एक्स्ट्रा कर दिए, और इसको डिवाइड कर दो एन से। और जो एक्चुअल में होना चाहिए था एवरेज वो क्या है आपका, होता टोटल, एक्चुअल टोटल है उसको डिवाइड कर दो एन से। और ये चीज किसके बराबर आ रही है, जो डिफरेंस है आपका ये पूरा, मतलब ये जो ये बड़ा वाला जो एवरेज है, जो गलत वाला एवरेज है, वो कितने उससे नंबर से बड़ा है आपके छोटे वाले एवरेज से, जो सही वाला एवरेज है आपका वो है हाफ, हाफ नंबर से बड़ा है, यानी कि 0.5 से बड़ा है। सही, तो मतलब मैं ये वाले एवरेज में से ये वाला एवरेज माइनस करूँ तो मुझे 0.5 मिलेगा। वो यही बात उसने एग्जामिनर ने बोली भी आपसे कि भाई अगर आप कर देते हो गलती से 20 नंबर एक्स्ट्रा दे देते हो। आप जरा देखो गेम, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है और यही तुम लोगों को निकालना है एन। अब जरा देखो, डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपल एडिशन, टोटल प्लस 20 माइनस टोटल अपॉन एन इज इक्वल टू 0.5। सही है, ये टोटल से ये टोटल क्या हो जाएगा, कैंसिल, मतलब टोटल तो पता करने की तुम लोगों को जरूरत ही नहीं है टोटल क्या, और ये क्या आ जाएगी इक्वेशन, ये एन डिवाइड हो रहा है वहां जाके 0.5 से मल्टीप्लाई, 0.5 एंड 20, और एन क्या आ जाएगा 40। तो भाई एक्सेलेंट, ये इसको करने की मेथडोलॉजी है। अब कोई किसी की मैथ्स अच्छी है तो वो इसको डायरेक्टली रेशियो से भी कर सकता है,
लेकिन मैं रिकमेंड ही करूंगा कि यार उस मेथडोलॉजी पे जाओ, क्योंकि वो कभी कभार जो है ना वो उसमें गलती होने का चांस है। तो अगर कोई डायरेक्ट कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि भाई डायरेक्ट आप लोग करो, क्योंकि इसमें भी कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा जब आप करोगे। तो मैक्सिमम ये 30 सेकेंड का सोल्यूशन, तो मुझे तो क्योंकि समझाना है आप लोगों को तो मैं थोड़ा सा स्लो लेके चल रहा हूँ, लेकिन ये एमसीक्यू आराम से जो है वो, तो इसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी इस एमसीक्यू में। तो ये सबको क्लियर हो गया ना, बातचीत जो है वो टॉपिक्स की तरफ चल लेते हैं। अच्छा यार, आज का जो हम जो टॉपिक जो वो करा सेलेक्ट, तो वो है यार बड़ा बेसिक, इंडाइसेस एंड सर्ट्स, सर्ट्स। और दूसरा जो टॉपिक है वो हमारा है शॉर्ट, बहुत छोटा सा टॉपिक है, इनक्वालिटी। अच्छा ये टॉपिक तो ये वाला है ना, इंडाइसेस एंड सर्ट, ये तो बिल्कुल ही बेसिक टॉपिक है। इसमें इतना ज्यादा एग्जामिनर आपको ना वो करेगा, बस आप कुछ इंडाइसिस की जो प्रॉपर्टीज है वो पता होनी चाहिए। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि आप लोगों को पता ही होंगी, मैं बता भी देता हूँ ऐसा भी। और इनक्वालिटी में थोड़ा सा कभी कभार ट्रिक हो जाते हैं स्टूडेंट्स, तो इसका जरा ख्याल करना है कि भाई इनक्वालिटी तो। अच्छा खैर, क्या कह रहे हो भाई सर, मीन मीडियन और सर, मीन और मीडियन, हाँ अभी मीन और मीडियन रिमेनिंग है बेटा, वो स्टैट्स में आएगा सारा, वो सब कॉम्बिनेशन हो गए, मीन मीडियन हो गया, ये सब चीजें वो स्टेट्स में कवर हो। वो अभी क्लास आ गया, वो मैंने बनाया वैसे तो। अच्छा खैर, अभी जरा मैं जो है ना इनक्वालिटी को जरा स्टार्ट करने लगा हूँ। भाई देखो, इनक्वालिटी जो है ना, जस्ट जो है देखो, इनक्वालिटी 3 तरह की हो सकती है। एक ये इनक्वालिटी तुम लोगों ने, 4 तरह की हो सकती है सॉरी, एक ये इनक्वालिटी देखी होगी, एक ये इनक्वालिटी देखी होगी, और एक ये देखी होगी। ये 4 तरह के सिंबल हैं जो आपके इनक्वालिटी हैं। अच्छा इन 2 सिंबल्स के अंदर ना आपका जो है वो भी आ जाता है, क्या नाम है, ये इक्वल टू वाला साइन। तो ये वाला जो साइन है ना, ये इसके अंदर भी आ जाता है इक्वल टू वाला। अब ये है क्या इनक्वालिटी भाई, ये जब भी हमें एब्सोल्यूट आंसर नहीं पता होता ना, तब हम इनक्वालिटी का यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने बोला यार 2x+3 जो है ना वो ग्रेटर देन होना चाहिए 5 के, मुझे एब्सोल्यूट नहीं पता कि यार, अब जरा देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूं बिल्कुल एज एन इक्वल टू साइन, इसको ट्रीट करोगे और इसको सॉल्व करना शुरू कर दोगे, तो ये इनक्वालिटी साइन को ट्रीट करो 5-3 ये 2 हो गया, और फिर जब इसको करोगे तो एक्स इज ग्रेटर देन जो है वो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हो ये जो वैल्यू आ रही है एक्स इज ग्रेटर देन 1, ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है। मैं श्योर नहीं हूँ कि यार एक्स एक्स को मैं क्या लूँ प्रॉब्लम में कि मेरा जो है मसला हल हो जाए। कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जहाँ पे रेंज ऑफ आंसर्स जो है ना एक्सेप्टेबल होते हैं, तो इनक्वालिटी हमेशा वहाँ यूज होती है जहाँ पर आपको चाहिए होती है रेंज ऑफ आंसर्स। मिसाल के तौर पे मैं क्या कहता हूँ कि भाई किसी का वेट अगर 50 से 70 के दरमियान है ना तो वो हेल्दी है। अब मैं कोई एक परफेक्ट वेट नहीं बोल सकता कि यार एक ये बनता है, ये 60 किलो का बनता है तो ये हेल्दी है पूरी दुनिया में, नहीं। एक मेरे पास जनरल जो आप, अगर मैं गूगल में भी रेंज सर्च करूँ तो गूगल मुझे एक रेंज देगा कि यार इस वेट, इस हाइट के हिसाब से, इस वेट के बंदे, इससे इसके बीच में बंदा जो है वो हेल्दी है। तो समझ रहे हो इनक्वालिटी की सिग्निफिकेंस क्या है रियल वर्ल्ड में, इनक्वालिटी आपको एक रेंज दे देगी। अच्छा सर, तो एवरेज के साथ इनके प्रॉब्लम थे इसलिए, हाँ एक्सप्लेन। अच्छा तो ये जरा समझना कि रेंज आप पर इम्पोर्टेंट हो, वहां पर आपकी इनक्वालिटी इम्पोर्टेंट हो जाएगी। अब जरा कुछ जो मिसकंसेप्शन बच्चों के दिमाग में होती हैं वो मैं पहले जरा क्लियर करता हुआ जाता हूँ। तो भाई अब बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि सर अगर ये -x > -1 लिखा हुआ है तो क्या करते हैं हम, एक्स के साइन इसको कैंसिल करके, और क्या करते थे तुम लोग, इनक्वालिटी के साइन को घुमा देते हो, यही करते हो भाई। ये माइनस से माइनस कैंसिल होता किस तरह है, सब यही करते हो ना माइनस को कैंसिल करके। अब ये भाई शॉर्टकट है, इसके पीछे की लॉजिक समझ लो क्या लॉजिक है कि भाई ये कुछ कैंसिल वैंसिल नहीं हुआ, ये एक्स उठ के इधर चला गया, ये -1 उठ के इधर आ गया, तो ये अल्टीमेटली क्या बन जाता है, ये 1 जब इधर आ जाएगा और ये एक्स इधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा, और इसको फिर मैं ऐसे लिख दूंगा। उसको तुम लोग बोलते हो कि सर मैंने कैंसिल कर दिया माइनस से माइनस, और ये इनक्वालिटी का साइन जो है वो
रिवर्स हो गया, तो ये उसके पीछे जो ये लॉजिक है कि इनक्वालिटी का साइन भाई क्यों रिवर्स हो जाता है और उसका मतलब क्या उसकी सिग्निफिकेंस है। अच्छा, अब एग्जामिनर तुम लोगों को देता है, हमारे पास ड्यूअल इनक्वालिटीज आती है, मतलब वो एक तुम लोगों को पीछे वाली रेंज भी देगा जो लोअर रेंज होती है और एक हायर रेंज भी देगा। अब वो किस तरह देता है, वो क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम में आती है। अब यार पहले तो जरा मुझे तुम लोग की अंडरस्टैंडिंग में चेक कर लूँ कि क्या किस लेवल की तुम लोग की अंडरस्टैंडिंग है। यार मैं जरा एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये बताओ यार इसका क्या, देखो आंसर तो दो ही आते हैं क्वाड्रेटिक के, वो दो ही आएंगे। अब मुझे जरा इसको सॉल्व करके मुझे जरा आंसर दो तुम लोग, मैं जरा देखूँ तुम लोग की क्या बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इसकी इनक्वालिटीज और क्वाड्रेटिक्स की। ये अलजेब्रा वाले चैप्टर में से जो है वो रिलेटेड ही है, चैप्टर तरह से पार्ट है उसका। वन वैल्यू इज माइनस टू, हाँ अच्छा वन वैल्यू इज माइनस टू, ठीक है माइनस टू और फाइव सबके यही आंसर आ रहे हैं भाई। सही, एक्सेलेंट, माइनस टू एंड फाइव। अच्छा ये तुम लोग किसका दे रहे हो, ये इक्वालिटी का आंसर दे रहे हो, मुझे रेंज बताओ यार आंसर किस रेंज में, आंसर है क्या, एक्स की वैल्यू क्या है, रेंज कौन बताएगा भाई। मैंने तो तुम लोगों से पूछा ही नहीं है कि भाई मुझे ये बता दो, कोऑर्डिनेट्स तुम लोगों ने बहुत सही निकाल लिए क्योंकि तुम लोगों को अलजेब्रा बहुत अच्छी आती है। अब ये बताओ ना मुझे कि रेंज क्या होगी। नहीं 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 ऑल वैल्यूज एक्सेप्ट माइनस टू एंड फाइव, नहीं मायदा ये नहीं, ये आंसर नहीं है बिल्कुल भी। बताओ भाई, हाँ माइनस टू से फाइव, भाई अच्छा तरबा, नहीं मुकीम नहीं, शकील कहाँ चला गया, शकील भाई जाग रहे हो या सो गए, आए आंसर का है? आंसर दो इसका, यस सर अत्रबा। अच्छा देखो अत्रबा तुम्हारा आंसर सही है लेकिन इस केस में सही नहीं है, मैं बताता हूँ मैं क्यों कह रहा हूँ ये, अभी जरा सुन लो। सर फाइव होगी ना, भाई वो आंसर नहीं आ रहा जो मैं देखना चाह रहा था। चलो फिर इसको करते हैं आगे, अच्छा ये बड़ी सोनी में जो बड़ा ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज करे इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है, ये भी जरा मैं अब जरा देख लो भाई तुम लोग पहले, अब जब जो मैं जरा, अच्छा तुम लोग बोल सही रहे हो लेकिन गलत भी बोल रहे हो सही। अब जरा सुनो मैं एक बना रहा हूँ ग्राफ, बल्कि छोड़ो यहाँ पे नहीं जरा पे, बड़ी कमाल की बात, माइनस टू से ग्रेटर नहीं, अक्सर इसका ये आंसर नहीं है। x is greater than minus 2, नहीं शकील इसका आंसर ये नहीं है भाई। अब देख लो, अब बहुत तुक्के हो गए, अब हर बच्चे ने बता दिया इसका आंसर बिल्कुल भी ये नहीं है। अब जरा देख लो यार, ये तुम लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि सर, अच्छा ये बताओ ये स्माइल फेस का ग्राफ है या फिर ये सैड फेस का ग्राफ है, कोई बता सकता है ये कौन सा ग्राफ है, ये जो पर्टिकुलर एक ग्राफ बना हुआ है ये स्माइली फेस है या सैड फेस है भाई,
ये मिनिमा है या मैक्सिमा है? सैड? नहीं बेटा अतरबा, इट्स नॉट सैड, ये स्माइली है। हाँ सोनी, एक्सलेंट, ये स्माइली फेस है, ये स्माइली है। देखो क्वाड्रेटिक ग्राफ ना कोई भी हो, जैसा भी हो, इस तरह की क्वेश्चन है ना, उसका ग्राफ कैसा बनेगा? या तो यूं और या तो यूं, ये सैड फेस, ये स्माइली फेस। इसको तुम लोग मैथमेटिकल टर्म में क्या कहते हो? मिनिमा। इस कर्व का क्या नाम है? मिनिमा, मिनिमा का कर्व। और इस कर्व का क्या नाम है? मैक्सिमा। अब ये क्यों कहलाता है मिनिमा मैक्सिमा, इसको छोड़ दो, ये सिलेबस में नहीं है। वो जो सीएस वाले होंगे उनको मैं बताऊंगा अलग से। अच्छा एक सेकंड, मैं आपका जवाब देता हूँ। अब ये क्यों है ये मिनिमा मैक्सिमा, ये इसका कॉन्सेप्ट जो है वो आपका स्टेशनरी पॉइंट्स के साथ है। और ये अभी छोड़ दो, ये बात स्टेशनरी पॉइंट्स वाली, ये सीएस वाले में उनको मैं बता दूंगा बात। और अब ये मिनिमा, अब ये कर, ये मिनिमा कब पता चलता है कि कोई कर मिनिमा है? देखो भाई सारा गेम इस चीज का है, ये एक्स स्क्वायर की साइन, एक्स स्क्वायर की साइन यहाँ पर मेरे पास क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव है ना, इसका मतलब है मिनिमा कर्व है। अगर एक्स स्क्वायर की साइन नेगेटिव हो तो क्या कर बनेगा? हमेशा सैड फेस बनेगा। और कोई भी दुनिया का ग्राफ हो, क्वाड्रेटिक कर्व कोई भी हो ना दुनिया का, तो बेटा हमेशा उसका ग्राफ ऐसा बनता है, या तो ऐसा या तो ऐसा, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है बेटा। और कोई भी, अच्छा एक और चीज बता दूं, कोई भी दुनिया का क्यूबिक कर्व हो ना, हमेशा या तो वो ऐसा बनेगा या तो वो ऐसा बनेगा। सही है? तो ये जरा एक दो चीज है, ये तुम लोग जरा इसको, भाई ये लेक्चर लिखते जाया करो तुम लोग, ये फिर बाद में मिस करने में जो है ना। हाँ वो डेरिवेटिव में, एक्सेलेंट, डेरिवेटिव में बेटा। तुम्हें तो नहीं देना ना सीएस का, सीएस वाले होंगे उनको पढ़ाऊंगा डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। अच्छा अब जरा देखो ये मिनिमम मैक्सिमम, खैर इसको जरा मिटा दो, उनके क्यूबिक कर्व आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, लेकिन बेचारे जो हमारे सीएस वाले उनके सिलेबस में है भाई। अच्छा अब ये सवाल था मेरा कि भाई ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, अब जरा देखो सारा गेम समझ में तुम लोगों को अब आएगा। ये मैंने बना दिया, अब यार ये ग्राफ एक तो बड़ा, ये टैबलेट पे ना अभी तक मेरा हाथ सेट नहीं हो रहा है। ये एक मैंने एक्सिस बना दिया। अब ये स्माइली कर्व है, सुनो जरा, अब इसकी रूट्स तुम लोगों ने मुझे क्या निकाल के देती सर? रूट्स क्या है? माइनस टू और फाइव है। तुम लोगों ने बोला सर ये रूट्स है। अब जरा देखो ये स्माइली कर्व था, ये इस तरह से कुछ, बल्कि इस तरह से नहीं, ये इधर जल्दी कट रहा है, ये कुछ इस तरह से, और इधर आगे से जा रहा है। ये जो वैल्यू है ये क्या तुम लोगों ने निकाली? सर ये क्या है? फाइव है। ये जो वैल्यू तुम लोगों ने क्या निकाली? ये क्या है? माइनस टू है। मैंने तुम लोगों से बोला ये जो पूरा कर्व है ये क्या हो? ये हो भाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, समझना बात को, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मेरी रिक्वायरमेंट थी। अब ये कर्व ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कहाँ हो रहा है बेटा? ये रीजन और ये रीजन। तो मेरी एक्स की वैल्यू रेंज क्या है? एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस टू, या फिर एक्स क्या हो? बड़ा हो। और किसी को समझ में नहीं आया तो बताओ भाई ये बात। अब समझ आया कि क्यों तुम लोग गलत बोल लेते भाई? रेंज जो तुम लोग रेंज दे रहे थे ना उसका कॉम्प्लीमेंट आंसर था, उसका उलट। अब समझ आई सबको ये कहानी क्यों इसका आंसर ये है? अगर सैड फेस होता तो तुम लोग का आंसर बिल्कुल सही था, लेकिन क्योंकि ये मिनिमा है सर, ये लास्ट मतलब ये कहानी जिसने समझ ली ना बेटा, वो इनक्वालिटीज में सारे क्वेश्चन सही करके आएगा। लास्ट से समझो। अच्छा एक्सप्लेन, अभी इसके तुम लोग टेंशन नहीं लो, तुम लोग को कोई ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी पेपर में। शकील, शकील साहब आपके कुछ पल्ले पड़ा तो ये कहानी मैंने समझाई है, बाकी सब तो खो गए। देखो यस कंप्लीटली एक्सीलेंट। अच्छा सर रूट्स, रूट्स का कौन पूछ रहा है भाई? सर रूट्स तो वो होते हैं जहां पे ग्राफ इंटरसेप्ट करेगा बेटा, रूट्स यही तो होते हैं। ये देखो ना मैंने तुम्हारे इक्वल किसके करवाया है,
मतलब यहाँ पे y क्या है, तुम लोगों को मैंने इक्वल टू जीरो दिया हुआ है ना, तो रूट्स जीरो पे जहाँ x इंटरसेप्ट पे इंटरसेप्ट वो कर रहा है ना, तो रूट वही है। यही तो तुम लोगों ने निकाले, तुम लोगों ने यही तो सॉल्व करी इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, यही तो तुम लोगों ने इक्वेशन सॉल्व करके निकाले हैं। तो भाई जीरो पे रूट निकलेगा ना, जीरो क्या है, ये x एक्सिस, तो ये कहानी है। अब ये जो साइन की जो गलती हो रही है वो इसलिए, अब जरा इसका मैं शॉर्टकट भी समझा देता हूँ। देखो अगर मैं साइन उल्टा कर दूं, अब जरा गेम समझना, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ, साइन उल्टा कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, सही है। अब मैंने क्वेश्चन क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, और मैंने क्या करा, इसको लेस देन इक्वल टू जीरो दे दिया। अब जो तुम लोग का आंसर है ना वो बिल्कुल सही है। सर तुम लोगों ने क्या आंसर दिया कि सर माइनस टू से बीच के फाइव सारी वैल्यूज। अब जरा देखो एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, और ये जीरो की लाइन जा रही है, और ये ग्राफ लेस देन कहाँ हो रहा है, इससे ये पूरे रीजन में, यानी माइनस टू से लेके फाइव तक ये रेंज आ गई। अगर मेरे पास ये चाहिए वाला साइन हो, और अगर ये वाला साइन होता ग्रेटर देन इक्वल टू वाला, तो फिर मेरे पास क्या रेंज आ गई, ये रेंज आ गई। समझ आया दोनों साइंस की सिग्निफिकेंस, दोनों साइंस का फर्क। देखो साइन का गेम है भाई। अब स्माइली फेस होगा, नहीं, स्माइली फेस नहीं होगा, ओके अतरपा। या इसमें अभी मैं तुम लोगों को समझाता हूँ, अब स्माइली फेस में क्या चक्कर होता है, सैड फेस में क्या चक्कर होता है भाई। ये अच्छा है मैं मिटाने लगा हूँ सारा ना बड़ा। अच्छा देखो इसका इरेजर जो है ना, यहां से मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये कहानी तुम लोगों को समझ आ गई तो भाई बहुत अच्छी बात है, फिर आगे चलेंगे, वरना आगे नहीं जाएंगे, समझ रहे हो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इसी से बेस्ड हैं। अब जरा मैं एक शॉर्टकट लिखवा रहा हूँ, उसको जरा समझ लेना, ये ग्राफ राफ की झंझट से आजाद हो जाओगे, वरना हर कोई वहां पे नहीं समझ आया सर। वन एग्जाम्पल मोर, अच्छा करते हैं इसी एक एग्जाम्पल मोर। अच्छा अब मैं जरा तुम लोग को एक शॉर्टकट समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं ये कहानी दोबारा से समझा दूंगा। अब ये जरा शॉर्टकट जो है लिखने की जो है ना, इसको जरा ये देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिसाल के तौर पे, मैं इसकी इसी क्वेश्चन की एग्जांपल से समझा रहा हूँ, समझ रहे हो। अब इसी को समझना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, सही है। अब ये इक्वेशन यही है, अब ये मैंने क्या किया, अब देखो अब मैं चार तीन केसेस बना रहा हूँ, लेस देन इक्वल टू जीरो, लेस देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और ग्रेटर देन जीरो, ये चार केस मैंने बना दिए इसी क्वेश्चन के लिए। जरा गौर से इस चीज को समझना, ये चार केस बना दिए मैंने। अब ये लेस देन जीरो है ना बेटा, अब इसके अंदर जरा एक चीज लिख, एक बात मैं बड़ा बोल रहा हूँ, ये फ्रेजेस याद रखना, तो कभी भी जो है ना इनक्वालिटी में मसला नहीं होगा। लार्जर देन स्मॉलर और स्मॉलर देन लार्जर, अब ये क्या चक्कर है सर, ये भी नहीं समझ आ रही हमें। तो देखो कभी भी ये और ये साइन हो ना, ये दोनों, या तो ये या तो ये साइन हो, हमेशा ये आंसर आएगा। मिसाल के तौर पे अब ये स्मॉल लार्जर देन स्मॉलर क्या है, और स्मॉलर देन लार्जर क्या है कि छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा, वो जरा देखो। तुम लोगों ने रूट्स क्या निकाले थे एक्स के, माइनस टू और फाइव, सही है, यही निकाले हुए थे, समझ आ जाएगा, इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं। माइनस टू और फाइव रूट्स निकाले हुए थे तुम लोगों ने, वो तो तुम लोगों ने आराम से निकाल लिए। उसके बाद अब ये अगर ये लेस देन वाला साइन हो ना, तो बेटा हमेशा रेंज के, या फिर ये वाला या फिर ये वाला, ये अगर साइन हो ना तो हमेशा रेंज क्या आएगी, छोटे और बड़े नंबर के बीच में हमेशा। जो तुम लोग आंसर दिए जा रहे थे कि सर ये आंसर होगा कि x इज लेस देन इक्वल टू फाइव, या फिर क्या होगा,
माइनस टू इज लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू फाइव, अब वो डिपेंड करता है कौन सा साइन, हमेशा रेंज की फॉर्म में आएगा। देखो फ्रेज को समझो, लार्जर देन द स्मॉलर, छोटे वाले नंबर से बड़ा, छोटे नंबर से एक्स बड़ा हो और स्मॉलर देन लार्जर, बड़े वाले नंबर से क्या हो एक्स छोटा हो, तो मतलब एक रेंज में आंसर आएगा, सही है। अब ये चीज समझ, अब इसकी फ्रेज समझना, ये जो ये मैंने तुम लोगों को यही वाला साइन दिया था ना सबसे पहले कि ग्रेटर देन इक्वल टू, इसकी फ्रेज समझना। इसका भाई फ्रेज है स्मॉलर देन स्मॉलर और लार्जर देन लार्ज, ये शॉर्टकट है बेटा, इसके में रूट ग्राफ राफ बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ये याद कर लो, ये समझ लो। अब क्या था, मैंने यही क्वेश्चन दिया था तुम लोगों, तुम लोगों के रूट्स आ गए थे माइनस टू और फाइव, आंसर क्या आया था, मैंने जो ग्राफ से प्रूफ करके दिखाया वो आंसर क्या आ रही थी रेंज एक्स की, ये देखो क्या आ रही थी एक्स की रेंज, लेस देन माइनस टू और एक्स इज ग्रेटर देन फाइव, ये मैंने प्रूफ करके दिखाया ग्राफ से कैसे आ रही थी रेंज। अब इसको जरा, अब ये देखो, अब अगर किसी को शॉर्टकट पता है ना वो क्या करेगा कि सर एक्स इज इक्वल टू माइनस टू और एक्स इज वो है, तो आप बोल रहे हैं सर स्मॉलर देन द स्मॉल, इसका मतलब है एक्स क्या होगा, एक्स इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस टू और क्या हो जाएगा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव हो जाएगा, या फिर एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस टू और एक्स इज ग्रेटर देन फाइव, ये दो जो है वो सिनेरियोज हैं हमारे पास। इन सिनेरियोस को याद कर लो भाई, इनको समझ लो, इनको नोट डाउन कर लो, यही होगी ये कहानी, समझ आ गई सबको कि भाई अगर मैं, अब मैं मिसाल के तौर पे एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, क्या बोल रहे हो भाई, सही है ना, ये कहानी समझ आ गई, शॉर्ट ट्रिक है, समझ लो, ग्राफ राफ में पढ़ोगे उसमें एक और मसला आ जाता है, वो सेट फेस के लिए वो केस चेंज हो जाता है, लेकिन इसमें जो है वो मसला नहीं होगा, सही है, अगर किसी को ये ट्रिक समझ आ गई तो जरा। ये क्वेश्चन है जरा इसको बताओ क्या इसमें आंसर होगा, माइनस टू। अच्छा अब ये क्या है बेटा, ये मैंने जान बूझ के प्रॉब्लम दिए, इसके साथ मसला क्या है, इस प्रॉब्लम के साथ भाई ये क्या है, इसके अंदर रूट जो है ना वो तुम लोग के रिपीटेड आ जाएंगे, सबके रिपीटेड रूट्स आ रहे हैं, सही है, सबके रिपीटेड रूट्स आ रहे हैं ना, दो सेम रूट आएंगे, अब क्या करें, मतलब के बेटा क्या है इसमें, ये क्या बोल रही है इनक्वालिटी, अब जरा समझो, इसमें तुम लोग फिक्स आंसर दोगे, एग्जामिनर से ट्रिक नहीं होना, अगर एग्जामिनर ने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ एग्जामिनर ने इनक्वालिटी लगा दी, अब देखो रूल क्या बोल रहा है, स्मॉलर देन लार्जर एंड लार्जर देन स्मॉलर, सही है, अब तुम लोग के दोनों ही आंसर क्या आ रहे हैं माइनस टू और माइनस टू, तो यार क्या इनक्वालिटी बनाऊं मैं इसमें, इसका मतलब है एक्स का सिर्फ एक ही पॉसिबल आंसर है वो है टू, रेंज में बना ही नहीं सकता कुछ, इसमें तुम लोग इक्वालिटी का आंसर दोगे, सही है, ये अगर इस तरह का केस आता है जिसके अंदर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी आपका जो है जीरो, तो वो उस केस में आपको क्या करना है कि आपको सीधा सीधा, अच्छा खैर इसको छोड़ दो, अब इस पे भी जो है वो सवाल होना शुरू हो जाएंगे, सर ये क्या डिस्क्रिमिनेंट आ गया पीछे, इसकी जरूरत नहीं है, सही है, तो ये चीज जरा ऐसा क्या नंबर लिया जाए भाई, अब ये बताओ इसका आंसर बताओ,
-2 होगा बेटा, क्योंकि तुम्हारे वो आ रहे होंगे ना, देखो x प्लस टू और x प्लस टू फैक्टर आ रहे थे ना, रिपीटेड वैल्यू समझ आ गया, रिपीटेड वैल्यू का क्या चक्कर है। किसी को समझ आया नहीं आया? चलो ये करके दिखा, इसको छोड़ दो, रिपीटेड वैल्यू है, इसको तुम लोगों ने सीधा सीधा क्या आंसर दोगे कि सर x is equal to 3 है बस और कुछ भी नहीं है। सही है, क्वालिटी नहीं है। एक्सीलेंट अथर्वा, सही है कि भाई इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन लंबी है, तो ये क्वेश्चन तुम लोगों को बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, आपको कर लेना, क्योंकि आज हम क्वेश्चंस कवर नहीं कर पाएंगे। अच्छा एक सेकेंड इसको रुको, ये मैंने जरा साइन में गलती कर दी है, ये साइन माइनस है। नहीं नहीं हाँ, अब ये माइनस साइन लेके क्या है, प्लस साइन लेके कर दिया भाई जान, एक सेकेंड जरा मुझे रुको। एक्सीलेंट, फैक्टर्स तो यही बनेंगे, मुझे आंसर बताओ, रेंज बताओ आंसर का। -9 और -7 तो नहीं आना चाहिए, एक x is equal to 7 आ रहा है, हाँ दूसरा x -9 आ रहा है, हाँ excellent, 7 और -9 आ रहा है, सभी का यही आ रहा है। सही है, अब 7 और -9 तुम लोगों ने रूट निकाल के दे दी मुझे कि सर ये रूट है इस क्वेश्चन की, अब ये रूट्स तो निकाल दिए तुम लोगों ने, लेकिन अब इसके इनक्वालिटी का आंसर कौन देगा भाई, मेरा क्वेश्चन तो ये है, मैंने तुम लोगों को रूट निकालने थोड़ी बोला था, सिर्फ आंसर बताओ, लॉ यूज करो, आंसर बताओ। सेवन और सेवन ये कैसा आंसर है भाई, इनक्वालिटी की फॉर्म में आंसर बताओ सर, ग्रेटर देन लेस देन वो वाला आंसर चाहिए। X is greater than, नहीं अतरबा इसमें अभी भी एक गलती है, आपने दोनों से ग्रेटर कर दिया इसको, एक अभी भी गलती है इसके अंदर, छोटी सी है लेकिन है। ये मुकीम एक्सेलेंट मायदा, एक्सेलेंट लायबा, नहीं मुकीम नहीं भाई, गलती फिर से रिपीट कर रहे हो तुम लोग, x is greater than equal to 7 और x is less than, law याद नहीं करा जो अभी लिखवाए सबने, लिख लिए वो रूल, क्या रूल है। हाँ एक्सीलेंट सोनी भाई, लड़कियों को समझ आ गया। हाँ एक्सीलेंट शकील, सॉरी चलिए अब ये क्लियर हो गई, हाँ यही आंसर है मार्वी, एक्सेलेंट अब समझ आ गया सबको। हाँ मुख्य अब क्लियर हो गया ना भाई, अब गलती तो नहीं होगी इसमें।
यस अलमीरा। तो खैर अब इसको अच्छा एक छोटी सी चीज रह गई है इसके अंदर पूरे चैप्टर में, वो रिपीटेड वाला कैसे? बेटा रिपीटेड वाले में ना एग्जामिनर सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए देता है। अब तुम लोगों को डिस्क्रिमिनेंट का कॉन्सेप्ट नहीं पता, वरना मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। मैं बताने नहीं चाह रहा हूँ, बिना वजह में फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगी कि सर ये क्या आप जो है वो चीजें पढ़ा रहे हैं तो सिलेबस में नहीं है। कोऑर्डिनेटर्स मुझे पकड़ लेंगे, भाई तुम बच्चों को क्या क्या पढ़ा रहे हो ये जरा। रिपीटेड रूट वाला मैं बता देता हूँ। देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो ना जिसके अंदर मिडिल टर्म ब्रेक हो के, जैसे ये है आपका स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये ऐसा क्वेश्चन आ रहा है ना। अब देखो इसके अंदर जो मैं मिडिल टर्म ब्रेक करूंगा, इतनी सिंपल मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो गई और ये हो गया, तो ये तुम लोग के पास फैक्टर सेम आ गए और ये x+2। सही, तो ये दोनों जो है x+2 के जो दो फैक्टर आ रहे हैं ना, ये देखो रिपीटेड है। ये दोनों फैक्टर जिसमें सेम आ रहे हैं ना उसमें, हाँ डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला वो, हाँ वो तुम्हें आता है तो बहुत अच्छी बात है। किसी को नहीं आता तो छोड़ दो डिस्क्रिमिनेंट, वो एग्जामिनर वो नहीं पूछेगा कि आपसे डिस्क्रिमिनेंट निकाल के बता दो उसका। तो खैर ये क्या नाम है, अब ये आ गया। अब ये देखो इसमें मैं क्या इनक्वालिटी बना, अब ये चीज थी ना मेरे पास, मैंने जो क्वेश्चन लिया होता इसमें मैं क्या बनाऊँ यार इनक्वालिटी। दोनों एक रूट सेम है तो तुम बोलोगे कि सर x=2 ही आंसर होगा, इसमें इनक्वालिटी बन ही नहीं सकती। आता है, वेरी गुड। अच्छा खैर जरा सा जो है वो इसको देख लेते हैं। अच्छा एक छोटी सी चीज रह गई है इसके अंदर, यहाँ पे भाई इस चीज का किसी को मतलब पता है? मिसाल के तौर पे अगर मैं कुछ भी मॉड, हाँ रिपीटेड का मतलब इक्वल टू साइन डालनी, ऑलवेज पॉजिटिव, एक्सीलेंट, मॉड्यूलस। भाई अगर मैं तुम लोगों को ये कंडीशन दे दूं क्या करोगे? -13 ये कौन है? हाँ असगर, कैसे? -7 and 13 माइनस किसका आ रहा है? एक सेकेंड भाई, इतने सारे आंसर आ रहे हैं तो भाई वैल्यू ऑफ एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। वैल्यू ऑफ एक्स आपकी जो फाइनल आउटपुट में जो आंसर आना चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, इसका मतलब ये साइन का। लेकिन ये आंसर जो आ रहे हैं ना मेरे पास थोड़े से बड़े जो है ना, अच्छा एक सेकेंड और क्या बोल रहे हैं भाई ये, भाई सब क्या कह रहे हैं, साइन चेंज कर देंगे भाई। कुछ भी नहीं है, तुम लोगों को ये सॉल्व करना है। अब ये सॉल्व करने में मुझे समझ, इतने सारे आंसर क्यों आ रहे हैं भाई ये उल्टे सीधे, ये कौन है भाई? अब जरा देखो अगर मैं प्लस वाला कंसिडर करूँ तो ये x-3 = सिंपली 10 हो गया, और x क्या आ गया 13, और अगर मैं माइनस वाला कंसिडर कर लूँ तो क्या आ गया? अब वो बात चली गई तुम लोगों का कॉन्सेप्ट कि सर एक्सेस की वैल्यू जो है हमेशा क्या हो, पॉजिटिव हो।
बेटा अगर वो अकेले में लिखा हुआ है ना एक्स, तो बात सही है, लेकिन अगर एक्स के साथ कोई और है तो इसका मतलब क्या है? अच्छा कुछ लोग इसको इस तरह भी करते हैं कि सर क्या करूं मैं इसको जो है वो ऐसे लिख दो, बल्कि एक तरीका करने का क्या है, या तो तुम लोग क्या करो स्क्वायरिंग करते जाओ, हाँ मोड का साइन बिल्कुल वो भी एक तरीका है। अच्छा एक जरा, अच्छा ये मॉड्यूलस ना इस तरह से तुम लोग कंफ्यूज करेगा जरा, मैं इनको जो है ना रिजल्ट ऑफ दिस इक्वेशन इन मॉड्यूलस भाई। अच्छा मुझे जरा ये सॉल्व एक्स माइनस, अच्छा मॉड्यूलस को कैंसिल करने के लिए क्या करते हो? अगर मैं दोनों साइड मॉड्यूलस दे दूं, ये कर दूं प्रॉब्लम, तो फिर क्या करोगे तुम? बोलोगे सर साइन का झंझट ही छुड़ाना है तो हम क्या करते हैं दोनों साइड को स्क्वायर कर देते हैं, तो क्या होगा सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा, फिर इसको सॉल्व करके तुम लोग आंसर निकाल लो। ये किसी को चीज समझ आ रही है? अब ये क्यों स्क्वायरिंग, एक्सेलेंट, हाँ स्क्वायरिंग करते हैं, ये स्क्वायरिंग वाला तरीका किसी को पता है कि क्यों होता है? यार एक सेकंड जरा, तुम लोग कंफ्यूज होने लगते हो, सब जो है वो परेशान हुए कि सर ये मॉड्यूलस क्या चीज समझ नहीं आया। एक सेकंड रुको मैं सर कैसे समझाऊं। मॉड्यूलस में क्योंकि एग्जामिनर ना बड़ा गेम करता है यार, बड़ा कंफ्यूज करता है, चाहे वो सेट का पेपर और आईपीए का हो, दोनों मिलते जुलते ही होते हैं। सेट में ये थोड़ा सा जो सीएस वालों के टॉपिक्स है ना वो भी आ रहे होते हैं, साइन निगलेक्ट करने के लिए स्क्वायरिंग करेंगे, वही तो मैं समझा रहा था। अब अच्छा ये बताओ किसी ने ये वाला ग्राफ देखा है? ये वाला कभी किसी ने जिंदगी में देखा है ग्राफ? ये किस चीज का ग्राफ है? अगर किसी को पता है तो वो जरा मुझे वो बताए। वो जो शकील ने बात करी थी ना कि रिजल्ट जो है हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा सर, वो बिल्कुल सही बात है। अब ये एक सेकंड, ये किसी को ग्राफ पता है? मॉड का ग्राफ है सोनी, एक्सीलेंट, ये मॉड का ग्राफ है बेटा, ये मॉड्यूलस का ग्राफ है। मॉड्यूलस का ग्राफ ना हमेशा इसी तरह का होगा आपका, ये वी शेप बन रही होगी, और जो क्वाड्रेटिक वाले मोड्स है ना वो आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, तुम लोगों के सिलेबस में सिर्फ क्या है लीनियर वाले मोड। जरा सुनो, कोई भी जैसे मैं एक लाइन ले रहा हूँ वाई इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस सेवन, सही है, नेगेटिव ग्रेडियंट की लाइन है, सबको समझ आ रहा है ये बात? सबको ये बात समझ आती है कि सर अद्रवा आप क्या बोल रहे हैं? मोड का ग्राफ ऑलवेज पॉजिटिव, बिल्कुल सही बोल लो, मोड का ग्राफ ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, मोड का ग्राफ कभी भी वो नहीं जाएगा। सबको ये बात समझ आ रही है कि भाई सर ये ऐसी लाइन होगी, आपको ये ना बोले कि सर ये ऐसी लाइन होगी, क्यों? क्योंकि इसका ग्रेडियंट क्या है? माइनस टू है। सबको ये बात समझ आ रही है? हाँ एम इज इक्वल टू माइनस टू है, तो ये लाइन क्या होगी? डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन है बेटा ये। अब ये लाइन अगर तुम लोग रियल वर्ल्ड में बनाते हो, तुम लोग कैसे बनाते हो कि सर इसका वाई इंटरसेप्ट क्या है? सेवन, तो ये सेवन यहाँ पर होगा, सेवन से शुरू होके क्या करेगी? यूं जाएगी और इसको कट करते हुए क्या निकल जाएगी? नेगेटिव एक्सेस में। अब वो वैल्यूज क्या भी होंगी हमें नहीं उससे कंसर्न है कि वो वैल्यूज क्या भी होंगी, लेकिन अगर मैंने क्वेश्चन को चेंज कर दिया, अगर मैंने बोला कि भाई मुझे इसका ग्राफ नहीं, मैंने बोल दिया कि भाई मुझे इसका ग्राफ चाहिए मॉड ऑफ माइनस टू एक्स प्लस सेवन, क्या करोगे भाई? अब जरा देखो, जो ये जहां से नेगेटिव में शुरू हुई है ना उतने ही डिस्टेंस पे इसकी मिरर लाइन बनाना शुरू कर दो, क्या करो ये जैसे जैसे देखो नेगेटिव वाली है ना इसका मिरर बना रहा हूँ मैं, मिरर इमेज बना रहा हूँ, ये क्या बन गया? यही ये मेरा इसका ग्राफ बन गया माइनस टू एक्स प्लस सेवन मॉड का इसका ग्राफ ये बन गया। समझ आ रही है बात कि क्यों ये हमेशा पॉजिटिव रहता है, मिरर इमेज बनती है हमेशा, इसकी वजह से ना इसकी शेप हमेशा से ऐसी होती है वी जैसी।
ये ग्राफ से होगा, नहीं ये ग्राफ से नहीं होगा बेटा, ये मैं एक्सप्लेन करने के लिए समझा रहा हूँ एग्जामिनर, क्योंकि कभी कभार जो है वो कंफ्यूज करता है, ग्राफ से होगा नहीं ग्राफ, लेकिन कभी कभार मोड के आ जाते हैं तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरे पास जो सैंपल क्वेश्चन आए थे उसमें एक दो मैंने ग्राफ देखे थे मोड के, तो ये मोड का ग्राफ किस तरह से होता है, तो मोड का ग्राफ हमेशा कोई भी ग्राफ हो वो इसी तरह का होगा, सही है। अब कोई लाइन है मिसाल के तौर पे, बहुत सारी लाइन होती है y इक्वल टू 3x, ये इसका कोई y इंटरसेप्ट नहीं है, सही है, कुछ भी नहीं है तो क्या है, जीरो है। अब ये इसका तो इंटरसेप्ट जीरो है, तो ये लाइन सबको पता है कहाँ से पास कर जाएगी, ये ओरिजिन से पास कर जाएगी भाई, डायरेक्ट प्रोपोर्शन की लाइन बन गई है। अब कोई बात समझ आ रही है ना कि भाई ये क्या है, सर ये ओरिजिन से पास कर जाएगी, 3 इसका ग्रेडियंट है, इसका मतलब क्या है कि जब x 1 होगा तो y 3 पे चले जाएगी और ये लाइन कुछ इस तरह से जा रही होगी, सही है। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन चेंज कर दूं, अब ये लाइन इस तरह से जा रही है तो लाइन तो इन्फिनिटी तक एक्सटेंड होती है, ये तुम लोगों को बात पता होनी चाहिए कि लाइन इन्फिनिटी तक होती है। अगर मैं ये कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, इसका ग्राफ ये ग्राफ बन गया, ये भी शेप हमेशा यही रहेगा मोड के ग्राफ का। मोड के लिए मिरर इमेज लेनी है, हाँ बेटा मोड के लिए मिरर इमेज लेनी है, सही है, समझो मिरर इमेज वाला काम, अगर समझ आ गया ना तुम लोग मोड का हर क्वेश्चन सॉल्व कर दो। आंसर जो वाई का नेगेटिव में आ रहा है सॉल्व करो, वाई का जो आंसर नेगेटिव में आ रहा है उसे पॉजिटिव ले लो, जैसे हमारा पिछले क्वेश्चन में नेगेटिव में जो आंसर आ रहा था उसे मैंने क्या कर दिया था, डायरेक्ट पॉजिटिव। अब ये इसका जैसे टेबल जैसे तुम लोग बना रहे हो, एक तो देखो आंसर y इक्वल टू 3 इनटू -1, अच्छा y इक्वल टू -1 पे करता हूँ, ये देखो y इक्वल टू 3 इनटू x को मैंने लिया -1, सही है, तो ये -3 आ गया ना। अब इसे क्या करो, अब ये पूरी चीज मॉड के अंदर है तो बस इसे 3 कर दो, सही है, ये होता है मॉड चार। अब ये अगर लॉजिक किसी को समझ आ गई तो वो मॉड्यूलस के क्वेश्चन कर लेगा, और मॉड्यूलस मजे की बात है कि मॉड्यूलस भाई आपका इनइक्वालिटी के साथ मर्ज होकर आ रहा होता है क्वेश्चन, लेकिन अगर किसी का ये कॉन्सेप्ट जो अभी तक हमने कर ली है ये क्लियर है तो वो इनइक्वालिटी की भी हर प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा और वो भी कर लेगा मॉड के भी। अभी मॉड क्वेश्चन करते हैं तुम लोग का तो और भी जो है ना ज्यादा वो क्लियर हो जाएगा। अब ये यार ये तो बिल्कुल ही बेसिक इनक्वालिटी क्वेश्चन है, मैंने तुम लोगों को एडवांस वाले भी करा दिए जो क्वाड्रेटिक वाले नहीं होते। अब ये देखो लीनियर वाले आए हैं, इसका आंसर बताओ क्या चाहिए, बल्कि उसको छोड़ो उसका आंसर नहीं बताओ मुझे, इसका आंसर बताओ फोर का आंसर बताओ क्या आ रहा है। ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है लेकिन इस साइन में कोई सिग्निफिकेंस इसलिए नहीं है, इसको बस एज एन इक्वल टू ट्रीट करो क्योंकि ये क्वाड्रेटिक नहीं है। क्वाड्रेटिक होता है तो फिर क्या निकलती है, चार मीनिंग निकलती है, वो मैं तुम लोगों को बता चुका हूं। सर इमेज उसी एक्सिस पे बनानी है, हाँ उसी एक्सिस पे बनानी है, एक्स एक्सिस से होगा तो वो एक्स एक्सिस से इमेज बनेगी, सही है। ये बताओ ये वाला क्वेश्चन मुझे, क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से बताओ भाई टाइम ओवर होने वाला है। अच्छा शकील बोल रहे हैं ए, लाइबा भी बोलने ए, अत्रा भी बोल रहे हैं, बाकी लोग कहाँ चले गए। अच्छा सवेरा भी ये बोल रही है बिल्कुल जो है, अच्छा भाई अच्छा सही सही वो टाइप हो गया था, तो इसका आंसर बिल्कुल तुम लोग सही कह रहे हो, इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का वो ए ही है। जब इसको तुम लोग सॉल्व करोगे हाफ x plus greater than 1/3x, क्या करा तुम लोगों ने, इसको इधर ले आके माइनस करा, उसको जो 1/2 था उसको इधर ले आके माइनस करा, दोनों नंबर्स और इवेंस को एक तरफ करके सॉल्व करा तो आंसर तुम लोगों का यही आएगा। क्या नाम है, तो इसको जो है वो इस पे चलते हैं, अभी थोड़ा सा एडवांस प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। ये सबका आंसर आ गया ना इसका, चलिए समझाऊं।
अच्छा ये सर समझा रही है, ये वाला क्वेश्चन समझा दीजिए सर। भाई ये देखो 1/2 क्या हो रहा है, ये दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा। बल्कि एक काम करो, ये इस तरह से है ना, तो इसको क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, 3 x + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 x - 5। ये इक्वेशन बन रही है, 3x + 3 आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2x - 10। सही है। अब ये 3x में से 2x जब जाएगा, 3x 2x को उधर लेके जाओगी तो क्या हो जाएगा, ये 2x उधर जाके माइनस हो जाएगा, इस सेट पे इनक्वालिटी के सिर्फ x रह जाएगा, और ये 3 इधर प्लस है वहां जाके माइनस होगा, तो ये -13। तो ये तुम्हारे पास ये आंसर आ गया, तो ये सब बोलने के सर ये आंसर। सही है। तो ये वाली प्रॉब्लम्स तो मेजोरिटी बच्चे कर लेते हैं सही, इसमें इतना ज्यादा इशू नहीं होता, ये इनक्वालिटी की बेसिक वो जो है वो प्रॉब्लम। हाँ भाई अब आ रहे हैं गेम जो मैंने तुम लोगों को बताया था। चलो भाई शुरू हो जाओ। 21 अब इसमें लगेंगी वो चीजें जो मैंने तुम लोगों को बताई, इसमें वो चीजें अप्लाई होंगी जो मैं तुम लोग कॉन्सेप्ट इतनी देर से जो समझा रहा था ना। जरा क्वेश्चन 21 का शकील बोलने, डी मायता भी बोलनी है डी। एक्सेलेंट लाइबा, मायता, निशा, शकील सब जो इसका जवाब दे रहे हैं भाई, एक्सेलेंट, डी ही इसका आंसर। अब समझ आया साइन की सिग्निफिकेंस क्या है, क्या होता है। अब तुम लोगों को ये केसेस समझ आ गए ना, अब तुम लोग ग्राफ बनाने नहीं बैठ जाओगे पेपर में कि सर ग्राफ बना के चेक करूँ किसके ऊपर जा रहा है किसमें नीचे जा रहा है। जिसने वो शॉर्टकट याद कर लिया वो इनक्वालिटी के इक्वालिटी के सारे क्वेश्चन करता जाएगा सकून से, कोई उसको मसला नहीं आएगा। सही है। एक्स इज ग्रेटर देन 6, एक्सेलेंट। कैसे किया इन लोगों ने भाई सॉल्व, इन लोगों ने बोला कि सर ये -36 है, परफेक्ट रूट वाला नंबर है, हम क्या करते हैं इसको x² = 36 करके, और x is, अच्छा जब भी आप रूट लेते हो तो आपके पास आंसर क्या आता है, +-6। अब ये दो रूट्स आ गए, एक छोटा नंबर क्या है -6, बड़ा नंबर क्या है +6। ये वाले साइन का मतलब मैं समझा के आ चुका हूँ आपको, इंटरप्रिटेशन दिखा के आ चुका हूँ। इस साइन का मतलब क्या है, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा, लार्जर देन द लार्जर एंड स्मॉलर देन द स्मॉलर। तो इसका आंसर सिंपली तुम लोगों ने दे दिया कि सर -6 से छोटा हो x और x जो है 6 से बड़ा, तो ये इसका समझ आ गई सबको, ये चीज क्लियर हो गई। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये किसी को अगर नहीं समझ आई है तो बताओ भाई, और फिर ये इसमें जो है टीएस को भी जरा कंसल्ट करते रहना। अच्छा ओ ये क्वेश्चन जरा ये बताओ, अब 24 बताओ जरा, अब इसमें भी जरा एक गेम है, लार्जर देन लार्जर वाला कॉन्सेप्ट। अच्छा लाइवा मैं करता हूँ उसको रिपीट, अभी ये वाले क्वेश्चन में कर देता हूँ ये जो अभी आ रहा भाई। इसमें गेम है, इस क्वेश्चन में जो भी कर रहे हैं ना इसको सॉल्व, पहले वो गेम जरा समझ लेना। अच्छा बी और डी, ये देखो आ गए ना अलग अलग आंसर हमारे पास। अच्छा भाई ये बी, अक्सर आप कह रही हैं कि पॉसिबल ही नहीं है, ये खतरा बोल रहे बी है। खतरा बी बोल रहा है, अक्सर डी बोलनी है, और ये भाई तो मेरे पास स्पेस नहीं है यार काम करने के लिए। आ रह गए हो, अच्छा भाई बाकी लोगों के आंसर ही नहीं आ रहे हैं, तो चलते हैं खुद ही सॉल्व करते हैं इसको। जनीशा बोल रही है सर डी है, नॉट पॉसिबल। ओके अत्रवा, शकील भी डी बोल रहे हैं कि सर पॉसिबल नहीं है। चलो देख लेते हैं भाई, एक आध लोग बी भी बोल रहे हैं, कुछ लोग आधे लोग बी बोल रहे हैं, कुछ लोग भी कह रहे हैं। देखो भाई -12x, सबसे पहला काम क्या करोगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाओ भाई,
स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर मैं इसको ले जाता हूँ, देखो जरा इन दोनों को क्या ले जाओ, उधर ले जाओ, प्लस कर दो, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाओ। स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी क्या होती है, जिसके अंदर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा प्लस होना चाहिए, सही है। अब वो आप ले गए इसको, तो अगर आप उस तरफ ले गए तो क्या हो जाएगा, ये 2x² + 12x + 20, और ये चीज पूरी क्या हो गई, लेस देन जीरो हो गई, क्योंकि दोनों इधर चले गए, जीरो की तरफ रह गया फेस, तो ये सारा लेस देन जीरो हो गया। अब जरा देखो इसको, तुम लोग सॉल्व कर दोगे कि सर क्या वो हमारे क्या आ रहे हैं, रूट 10 और 2 तुम लोग के पास रूट आ जाएंगे। ये आ गया। अब उसके बाद तुम लोगों ने क्या करा, सर 2x कॉमन ले लेते हैं, x + 1, फिर यहाँ पे क्या नाम है, 10 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे x + 2। अच्छा एक सेकेंड एक सेकेंड, ये मैंने क्या कर दिया यार, x² + x + 1 + 10 और x+ सेम ही आने चाहिए थे। ये तुम लोग के भी अलग अलग आ रहे हैं या सेम ही आ रहा है, 2² + 12x + 20 और 2² + Mustafa, you are not audible. I think there is internet connection, so.